रोजगार है तो बेरोजगार क्यों, खुद का डोना पत्तल उद्योग लगाएं, महीने का 15 से 25 हजार रुपए कमाएं, कच्चा माल हम देंगे और तैयार माल भी हमें बेच सकते हैं, अपने स्तर पर भी बेच सकते हैं तैयार माल। महाजन ट्रेडिंग कंपनी, द्रमण, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 98053 88 999 94 183 64 833। चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया की ग्राम पंचायत तिहरी के पेडला के गांववासी पिछले 20 वर्षों से सड़क सुविधा से महरूम हैं और आज भी बीमारी की हालत में या आपातकालीन स्थिति में पालकी का सहारा लेना पड़ता है। गांव के पंचायत उप प्रधान केहर सिंह, वार्ड पंच प्रेमचंद व ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में पिछले 20 वर्षों से सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है, पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। कई प्रधान व विधायक यहां आए पर समस्या हल नहीं हो सकी। सड़क के साथ साथ बिजली व पानी की गंभीर समस्याओं से भी लोग कई वर्षों से जूझ रहे हैं। यहां तक कि मनरेगा में कार्य करने के भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि ग्रामीणों के साथ भद्दा मजाक है। प्रार्थना की भी हर अवस्था ठीक हुई है, हाँ कोई बीमारी शमारी या बंदा बीमार हो गया तो हाँ नहीं चल नहीं पाते, बुढ़े बुजुर्ग नहीं चल नहीं पाते, उपरे तक बहुत बुरी खराब कंडीशन है रोडे की, हमें हाँ रोड बनना चाहिए थले तक पूरा कहना, बाकी हमें हाँ पानिया की प्रॉब्लम बड़ी है, पानी भी नहीं आता, हाँ नलकियां भी नहीं आता, कहना बॉडी भी नहीं है, हाँ जो हैंडपंप भी लगना चाहिए जरूरी, कहना बाकी जो इतों लोग मनरेगा च लगे उन्होंने पैसे भी नहीं आवा दे, जो 14 महीने आयोग के पैसे लोग भी नहीं आए उन्होंने। और जो यहाँ टीरी पंचायत की समस्या है, जो पेड़ला गांव की समस्या है, अभी तो मेरे को 2-3 महीने का टाइम मिला है, 7 महीने लॉकडाउन को हो गए, जो यहाँ का काम है वो चला हुआ है, लेकिन पैसे भी कमी नहीं है, और जो काम अब रुक पड़ा है कि लोगों का जो मतलब ज़मीन का काम चला हुआ है, खेती बाड़ी का काम चला हुआ है, घास का काम चला हुआ है, इस वजह से काम थोड़ा डिले है, लेकिन जो मटीरियल आया हुआ है ये तो इनको तो मतलब थोड़े दिनों में ये हो जाएगा काम। ये जी हाँ जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष देरा चेतन पराशर, आज हम ज्वालामुखी की पेड़ला पंचायत में आए हुए थे। आज यहाँ पे लोगों की हमने काफ़ी समस्याएं सुनी, यहाँ पे रास्ते की दिक्कत आ रही थी और लाइटों की दिक्कत है, बॉडी की दिक्कत है, और कुछ यहाँ पे जो नरेगा वाले हमारे साथी थे, हमारी माताएं बहनें थी, उनकी जो पैसे हैं वो पंचायत के द्वारा या किसी भी बोल सकते हो ब्लॉक की तरफ से उन तक नहीं पहुंचे थे अभी तक, जिसके लिए हमने जो है वो मौके पर कार्रवाई की है। हमारी BDO दफ्तर में बात हुई है, डॉक्टर स्वाति गुप्ता जी से भी बात हुई है, और हम चाहते हैं कि वो आगे से जो है इस चीज पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई संज्ञान ले। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।